पानी के बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है जो प्लांट्स को चाहिए होता है, वो है मिनरल्स या साल्ट्स। अब मिनरल्स जो हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं और आमतौर पे वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। बाज़ दफ़ा ये मिनरल्स जो हैं वो डायरेक्टली सॉइल पार्टिकल्स के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और अगर सॉयल पार्टिकल्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए से मिनरल्स जुड़े हुए होंगे तो ऑब्वियसली प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब वो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं तो पानी के साथ साथ वो मिनरल्स भी जो हैं प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको अपने जो है मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनरल्स की कंसंट्रेशन आमतौर पे सॉइल के अंदर वेरिएबल होती है। जो अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है उसके अंदर मिनरल्स जो हैं वो ऑप्टिमम अमाउंट में प्लांट्स के लिए एक सूटेबल अमाउंट में मौजूद होते हैं। अगर मिनरल्स की अमाउंट कम होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है, जरखेज मिट्टी यानी कि नहीं है। मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब रूट हेयर्स ही करते हैं, और एक्टिव और पैसिव दोनों मैकेनिज्म्स के जरिए से मिनरल्स की अपटेक होती है। आयंस या मिनरल्स की अपटेक किस रेट से होती है, उसकी अपटेक का रेट जो है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितनी तेजी से जो प्लांट है वो मेटाबोलाइज कर रहा होगा उतनी ही ज़्यादा उसको आयंस की या मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मेटाबॉलिज्म इतनी तेजी से नहीं हो रहा तो फिर आयंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत जाहिर है नहीं होगी। आयंस की अपटेक जो है वो आमतौर पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ज़्यादातर होती है, और आयंस जो है वो रूट सेल्स के अंदर जमा होते रहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि यहाँ पे ये होता है कि जो रूट सेल्स हैं उनके अंदर इसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है साल्ट्स की, क्योंकि जो रूट के सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली सॉइल से मिनरल्स उठा रहे हैं और वो सेल के अंदर भरते जा रहे हैं। अब सेल के अंदर कंसंट्रेशन वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा हो जाती है और सॉइल में रिलेटिवली कम अमाउंट मौजूद होती है, उसके बावजूद सेल जो है वो कॉन्स्टेंटली मिनरल्स की अपटेक कर रहा होता है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है। यानी कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आयंस जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए फिर आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इस वजह से इस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कुछ आयंस जो हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो डिफ्यूजन के जरिए से एब्जॉर्ब होते हैं, और बाज़ दफ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए से भी सब्सटेंसेस मूव करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हमारी मुराद ये है कि इन सब्सटेंसेस को मूवमेंट के लिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल चैनल्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू वो आयंस डिफ्यूज कर जाते हैं, और डायरेक्टली उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से नहीं गुजरना पड़ता बल्कि वो कैरियर प्रोटीन्स या चैनल्स के थ्रू जो है गुजर जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स जो हैं वो बाज़ दफ़ा मिनरल्स को और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हम दो पढ़ चुके हैं प्लांट्स के केस में। एक हमने पढ़ा था माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा जो है वो फंजाई और प्लांट्स की एसोसिएशन है। इसके अलावा हमने रूट नोड्यूल्स की बात की थी जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब नाइट्रोजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और नाइट्रोजन आपको चाहिए अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए। प्लांट्स जो हैं अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और उससे फिर प्रोटीन्स बनाते हैं, तो उसके लिए इनको नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन आमतौर पर सॉइल में डिजॉल्व फॉर्म में इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती, साल्ट की फॉर्म में मौजूद नहीं होती, तो इसका हल ये है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो है हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसको अमोनियम आयंस में या दूसरे ऐसे आयंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इनमें से बाज जो बैक्टीरिया हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं वो प्लांट्स की जड़ों के अंदर मौजूद होते हैं, और ख़ास तौर पे लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि दाल के पौधों में ये जो है जड़ों के अंदर। अगर आप इसकी दाल के पौधे की जड़ उखाड़ के देखें तो इसके ऊपर आपको मोटे मोटे से दाने बने हुए नजर आएंगे,
और इन दानों को हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं, और इन नोड्यूल्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है ये ग्रो कर रहे होते हैं और हवा से नाइट्रोजन पकड़ पकड़ के इसको अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनियम आयन्स जो है प्लांट फिर इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एसोसिएशन जो प्लांट्स बनाते हैं वो माइकोराइजा है, और माइकोराइजा एक्चुअली फंगाई फंजाई और रूट्स की, हायर प्लांट की रूट्स की एसोसिएशन होती है, और ये फंगस जो है वो रूट्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और इसके हाइफी जो है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको ये वाइट वाइट धागे नजर आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली फंगस के हाइफी हैं जो ये येलो से कलर की ऑरेंज कलर की रूट के साथ एसोसिएटेड है, और ये फंजाई सॉइल में से बहुत थोड़ी भी अमाउंट में अगर फास्फोरस मौजूद हो या जिंक मौजूद हो या और दूसरे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं तो उनको ये फंगस जो है बड़ी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेती है, और अब्जॉर्ब करके इनको फिर प्लांट को प्रोवाइड कर देती है। जिन प्लांट्स के अंदर माइकोराइजा होते हैं वो आमतौर पे ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करते हैं, बेटर ग्रोथ शो करते हैं, और तकरीबन 90% वास्कुलर प्लांट्स जो हैं, टोटल प्लांट्स के 90% वास्कुलर प्लांट्स, वो उनके अंदर कोई ना कोई माइकोराइजल फंगस जरूर उसकी जड़ों में मौजूद होती है जो इसको इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करेंगे वाटर के केस में, जो पौधों के साथ वाटर का रिलेशनशिप है उस हवाले से, वो है वाटर पोटेंशियल का। वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ फिनोमेना प्लांट्स में जो पानी और मिनरल्स के हवाले से हो रहे होते हैं उनको स्टडी करने में हेल्प करता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? अब बेसिकली अगर आपके पास किसी बीकर के अंदर या किसी बर्तन के अंदर वाटर आपने रखा हुआ है तो आपको गर्चे वो वाटर मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा होता, वो स्टिल होता है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी होती है, और इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसकी वजह से आयंस वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो अब ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसकी उस वाटर के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि अगर आपके पास 1 मोल है मॉलिक्यूल्स का और वो आपने एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर रखा हुआ है वाटर के मॉलिक्यूल्स का, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, और अगर उसके मुकाबले में आपके पास 10 मोल हैं तो जाहिर है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी 10 गुना ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उतनी ही ज्यादा उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की उसको हम वाटर पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब ये वाटर पोटेंशियल जो है ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, 2 मजीद चीजें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं। नंबर एक तो ये कि वाटर के अंदर सॉल्यूट्स कितने मौजूद हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, और अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्यूट की रेशियो ज्यादा होगी, साल्ट ज्यादा डिजॉल्व होंगे तो रिलेटिवली पानी उसके अंदर कम मौजूद होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसी तरह पानी जो आपने किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है वो अंडर प्रेशर है या नहीं है तो उसकी बेस पे भी जो है वाटर पोटेंशियल कम या ज्यादा होता है। तो ये सोल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से जो पोटेंशियल में फर्क आता है इसको हम सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, और प्रेशर की वजह से जो वाटर पोटेंशियल में फर्क आता है इसको हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। अब वाटर पोटेंशियल को हम एक ग्रीक लेटर साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपको 3 ये ऊपर की तरफ टांगे हैं और ये जो सिंबल है इसको हम साई कहते हैं, PSI, और साई डब्ल्यू जो है इसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। साई एस का मतलब सोल्यूट पोटेंशियल है और साई पी का मतलब वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल है। अब बाय डेफिनेशन जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, और इसकी वैल्यू जो है उसको हम कहते हैं बाय डेफिनेशन के इट इज जीरो। अब अगर पानी के अंदर आप मुख्तलिफ साल्ट डिजॉल्व कर देंगे तो उससे ये वाटर पोटेंशियल जो है
वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और ये वैल्यू जो है ये जीरो से कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो सॉल्यूट्स ऐड करने पे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, यानी कि जीरो से मजीद कम हो जाना शुरू हो जाती है। तो कोई भी सॉल्यूशन हो तो उसकी वैल्यू हमेशा वाटर पोटेंशियल की नेगेटिव होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो याद करने की है कि किसी सिस्टम के अंदर पानी जो है वो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, यानी कि ऐसी जगह जहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो वहां से कम वाटर के मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करता है, या इसी को अगर हम सोल्यूट की टर्म्स में कहना चाहें तो जहां पे सोल्यूट कम है वहां से ज्यादा सोल्यूट वाले डायरेक्शन में जो है वाटर मूव करता है। इसकी एग्जाम्पल हम आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो वाटर पोटेंशियल की टर्म्स में अगर हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल अक्रॉस ए सेमी परमिएबल या पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका क्या मतलब है, ये मतलब है कि ऑस्मोसिस के दौरान फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है और इसमें आपने दो सॉल्यूशंस रखे हुए हैं और एक तरफ आपने साल्ट जो है वो अमाउंट उसकी ज्यादा डाली हुई है और दूसरी तरफ कम डाली हुई है। तो जहाँ पे आपने साल्ट ज्यादा डाला है वहां का वाटर पोटेंशियल जो है वो लो होगा, और जहाँ पे आपने साल्ट कम डाला है पानी रिलेटिवली ज्यादा है वहां का वाटर पोटेंशियल जो है वो हाई होगा। तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा कि पानी जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया में मूव करेगा और उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों की जो कंसंट्रेशन है वाटर पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए। तो टोटल वाटर पोटेंशियल जो है वो अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो आप टोटल सॉल्यूट पोटेंशियल और टोटल प्रेशर पोटेंशियल को सम करके जो है वो वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम टर्म जो यूज कर रहे हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बीकर के अंदर पानी है प्योर वाटर है और उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू जो है वो लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिवली अब उसके अंदर पहले से पानी की मकदार जो है वो कम हो गई है तो उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू जीरो से नेगेटिव की तरफ मूव की है तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आया है वाटर पोटेंशियल में उसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, और जितना ज्यादा आप सोल्यूट की अमाउंट करते जाएंगे उतनी ही जो है वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो है कम होती जाएगी। इसके मुकाबले में एक और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाटर पोटेंशियल को डिटरमिन करने वाला वो प्रेशर पोटेंशियल है, और प्रेशर पोटेंशियल का मतलब है कि किसी अगर आप उनके पास एक बीकर के अंदर या एक्सेल के अंदर वाटर मौजूद है तो अगर उस वाटर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेट होगा, पावर एनर्जी जनरेट होगी जिसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल सॉरी प्रेशर पोटेंशियल। और अब जब वहां पे प्रेशर होगा तो मिसाल के तौर पे अगर किसी सेल के अंदर ऑस्मोसिस की वजह से पानी एंटर होता है तो वो सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टर्जिड होता जाता है और प्रेशर बिल्डअप होता जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि इस सेल के अंदर अब प्रेशर पोटेंशियल बनता जा रहा है। अब इस वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट की मदद से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि पानी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मसलन पानी प्लांट सेल्स जो हैं रूट सेल्स जो हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद हैं तो पानी सॉइल से सेल की तरफ मूव करेगा या नहीं, और ये कि जो रूट के सेल्स हैं वहां से एक सेल से दूसरे सेल में किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हम वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से स्टडी कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल हम ले लेते हैं कि हमारे पास दो सेल्स हैं
और एक सेल के अंदर आपने सोल्यूट्स डाले हुए हैं और आपने इतने ज्यादा सोल्यूट्स डाले हुए हैं कि इसका वाटर पोटेंशियल जो है, सॉरी इसका सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो -2000 किलो पास्कल हो गया है। उसके मुकाबले में सेल बी के अंदर जो है वो सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो -1400 किलो पास्कल है। अब इसका वाटर पोटेंशियल जो है, सेल ए का वाटर पोटेंशियल रिलेटिवली लो है एज कंपेयर टू सेल बी, क्योंकि सेल ए की वैल्यू जो है वो रिलेटिवली नेगेटिव में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने मोर साल्ट ऐड किए हुए हैं, सेल ए के अंदर जो है साल्ट ज्यादा है उसके मुकाबले में सेल बी के अंदर साल्ट जो है वो इतने ज्यादा नहीं है। अब जब यहाँ पे साल्ट की, सेल ए के अंदर साल्ट की मिकदार ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा के सराउंडिंग एरिया से पानी जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा और इस सेल के अंदर एंटर होगा। जब इस सेल के अंदर पानी एंटर होगा तो पानी भरने की वजह से इसकी वॉल के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ेगा और इस सेल के अंदर जो है वो प्रेशर पोटेंशियल जनरेट होगा। और यहाँ पे साल ज्यादा होने की वजह से इसका प्रेशर पोटेंशियल जो है वो 800 किलो पास्कल है, उसके मुकाबले में सेल बी के अंदर साल रिलेटिवली कम है तो इसके अंदर प्रेशर भी रिलेटिवली कम है और टोटल जो है इसका प्रेशर पोटेंशियल 600 किलो पास्कल है। अब इसका टोटल वाटर पोटेंशियल जो है अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो हम इन दोनों वैल्यूज को जो है सम अप कर देंगे। तो 800 और -200 को जब आप सम अप करें तो -1200 किलो पास्कल वाटर पोटेंशियल जो है सेल ए के अंदर इस वक्त डेवलप हो चुका है। उसके मुकाबले में सेल बी के अंदर सिर्फ -800 किलो पास्कल प्रेशर पोटेंशियल जो है वो जनरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपने साल्ट की अमाउंट जो है वो कम थी। अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से साल्ट तो मूव नहीं कर सकते, सिर्फ पानी मूव करेगा, तो क्या है कि यहाँ पे साल्ट कम है, वाटर की रिलेटिव अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे साल्ट सेल ए के अंदर ज्यादा है, वाटर की रिलेटिव अमाउंट कम है, तो वाटर जो है वो जीरो यहाँ पे सेल बी से मूव करेगा सेल ए की तरफ। तो यहाँ पे रिलेटिवली हाई वाटर पोटेंशियल जनरेट है और यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल है, तो पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से लो वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ मूव करेगा। तो इस केस में सेल बी से पानी मूव करके सेल ए की तरफ आएगा और उस वक्त तक आता रहेगा जब इन दोनों के अंदर वाटर पोटेंशियल का लेवल इक्वल ना हो जाए, यानी कि ये इक्विलिब्रियम होने पर जब पानी इक्वल हो जाएगा तो इन दोनों के अंदर जो है वो वाटर पोटेंशियल दोनों सेल्स में 1000 किलो पास्कल तक पहुंच जाएगा। दो सेल्स में वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा हो उतनी ही तेजी के साथ पानी जो है उन दोनों सेल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस वक्त 400 किलो पास्कल का डिफरेंस है वाटर पोटेंशियल का, तो पानी रिलेटिवली तेजी से मूव करेगा, लेकिन जू जू वक्त गुजरने के साथ साथ वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस कम होता जाएगा और ये वैल्यू 1000 के करीब आएगी, तो डिफरेंस कम होने की वजह से वाटर के फ्लो का रेट जो है वो रिलेटिवली स्लो डाउन होता रहेगा। वाटर पोटेंशियल की वजह से एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो हमें देखने को मिलता है वो प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस का फिनोमेना है। और प्लाज्मोलिसिस हम कहते हैं श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट को ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, के जब पानी जो है सेल से बाहर निकल जाता है तो उसकी वजह से बाज दफा प्रोटोप्लास्ट जो है या लिविंग पार्ट ऑफ द सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। और ये जो है आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक नॉर्मल सेल है और इस सेल के अराउंड एक सेल वॉल है और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो है अब आप क्या करें कि इसको आप इस सेल को उठाएं और इसको सुक्रोज सॉल्यूशन में, कंसंट्रेटेड सुक्रोज सॉल्यूशन में डाल दें। अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन है इसके अंदर अमाउंट ऑफ सुक्रोज ज्यादा है, तो रिलेटिवली इसके अंदर वाटर की अमाउंट कम है। उसके मुकाबले में ये जो आपके पास सेल है, इस सेल के अंदर वाटर की अमाउंट जरा ज्यादा थी, तो अब क्या होगा कि सेल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और इस सुक्रोज सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है, तो पानी जो है वो बाहर निकलेगा सेल से और वो आता जाएगा सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर, तो
उसकी वजह से अल्टीमेटली ये सेल का साइज जो है वो प्रोटोप्लास्ट का साइज श्रिंक करेगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि सेल जो है वो उसके अंदर प्लाज्मोलिसिस हो गई है। उसके मुकाबले में अगर उसी सेल को, ये जो श्रिंक हुआ हुआ सेल है, इसको आप उठाएं और दोबारा से प्योर वाटर के अंदर डाल दें, तो प्योर वाटर में क्योंकि वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पानी दोबारा से बीकर से निकलेगा और सेल के अंदर नए सिरे से एंटर होना, हर तरफ से पानी जो है वो इसके सेल के अंदर एंटर होगा, और जब पानी सेल के अंदर एंटर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये सेल जो है वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, और इसको हम कहेंगे कि ये सेल जो है अब बी प्लाज्मोलाइज हो गया है। और पानी जब इस सेल के अंदर ज्यादा भर जाएगा तो उसकी वजह से ये पानी जो है वो इस सेल वॉल के ऊपर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और इसकी वजह से प्रेशर पोटेंशियल जो है वो इस सेल के अंदर बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से ये सेल को हम कहेंगे कि ये टर्जिड या सख्त हो गया है। अब इसी वाले से एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहलाती है, कि जब पानी सेल से बाहर निकल रहा हो और बिल्कुल श्रिंकेज होने वाली हो तो उसको हम कहते हैं कि ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस है, और सेल वॉल इस दौरान में जब इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस का पॉइंट आ जाता है तो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ना जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर से काफी हद तक पानी जो है निकल चुका होता है। ये तो प्लांट सेल्स की हम बात कर रहे हैं, एनिमल सेल्स में चूंकि सेल वॉल नहीं होती तो सेल को जिस वक्त पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा हो, मिसाल के तौर पे आपने एक एनिमल सेल को लेके डिस्टिल वाटर के अंदर रख दिया है, और वो डिस्टिल वाटर जो है वो उसमें से वाटर पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से पानी जो है सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। अब जब ज्यादा पानी एंटर होगा तो सेल को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है, सेल के बाहर कोई वाल नहीं है जो इसको फर्दर एक्सपेंशन से बचाए, तो उसकी वजह से सेल बर्स्ट भी हो सकता है, फट सकता है प्रेशर से। तो इसको बचाने के लिए फिर एनिमल सेल्स क्या करते हैं कि एनिमल सेल्स जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं वो कॉन्स्टेंटली पानी की अमाउंट को रेगुलेट करते रहते हैं, और वो किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर से एक्स्ट्रा पानी जो है सेल वो रिमूव करता रहता है, और इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, और ऑस्मो रेगुलेशन के दौरान में पानी और साल्ट्स की अमाउंट जो है वो सेल के अंदर एक खास अमाउंट तक, एक नैरो रेंज के अंदर रखी जाती है और ज्यादा उसको चेंज नहीं होने दिया जाता। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स को जो है सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को अक्यूमुलेट करते हैं और वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते रहते हैं, और इस मकसद के लिए सेल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी न किसी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, और प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्ट का जो मेजर फंक्शन है वो रूट्स परफॉर्म कर रही हैं, और वो सारा एब्जॉर्प्शन करती हैं सब्सटेंसेस की, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें प्लांट्स को रिक्वायर्ड हैं वो उनमें से ज्यादातर रूट्स उनको प्रोवाइड करती हैं, और ये चीजें सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, और इनको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब किया जाता है, और रूट्स जो दो इंपॉर्टेंट चीजें एब्जॉर्ब करती हैं वो वाटर और मिनरल्स हैं। इसके अलावा हमने वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में स्टडी किया, और हमने कहा कि वाटर पोटेंशियल जो है इट इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, के वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी मौजूद है, उसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं, और वाटर पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय समिंग अप सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, और इस तरह से हम वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और वाटर पोटेंशियल की बेस पे हम स्टडी कर सकते हैं कि पानी सेल्स के अंदर एंटर होगा किस वक्त और किस वक्त वो सेल्स से बाहर रिमूव होगा। थैंक यू।